हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये चॉकलेट बनाना। चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 2 ग्लास के करीब पानी ले लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को हम लो से थोड़ा सा हाई करेंगे और इसके ऊपर एक बोल रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक माइक्रोवेव सेफ बोल ले रही हूँ और इस बोल में मैं डाल रही हूँ बटर। तो ये अनसॉल्टेड बटर है और ये 50 ग्राम के करीब है। 100 ग्राम की बटर की एक टिक्की आती है तो उसका आधा मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। और ये अनसॉल्टेड बटर आसानी से किसी भी बेकरी शॉप पे मिल जाता है। और अब हमें बटर को मेल्ट करना है। तो जैसे जैसे हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये बटर हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बटर को हमें बहुत अच्छे से पहले मेल्ट कर लेना है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर बटर हमारा धीरे धीरे देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है पूरी तरीके से। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। इसे ऐसे हमें चलाते रहना है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया बटर हमारा मेल्ट होने के लिए, इसको भी हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बटर मेल्ट हो गया है बहुत अच्छे से, देखिए। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर। तो 4 टेबलस्पून के करीब इसमें हम पाउडर शुगर डालेंगे। तो मैंने चीनी को जस्ट ग्राइंडर में चला लिया है, पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल दी है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक कि चीनी हमारी अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती तब तक हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे। और गैस के फ्लेम को अब बिल्कुल स्लो कर देंगे। चीनी जब तक कि बटर में अच्छे से घुल नहीं जाती तब तक इसे हम चलाते रहेंगे। और यहाँ पर चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है बटर में। तो इस स्टेज पर आप डालेंगे इसमें कोको पाउडर। तो 3 टेबलस्पून के करीब इसमें हमें कोको पाउडर डाल रही हूँ। और अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। गैस के फ्लेम को लो ही रखना है जब तक कि हमारा कोको पाउडर बहुत अच्छे से बटर में चीनी में मिक्स नहीं हो जाता। तब तक इसे हम चलाते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारा जो कोको पाउडर है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस। तो 2 से 3 ड्रॉप के करीब इसमें मैं वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। तो बस थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सारी चीजें परफेक्टली देखिए मिक्स हो चुकी हैं। और अब इसे हम मोल्ड में डालेंगे। और यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। गैस को बंद करने के बाद इसे ले चलते हैं मोल्ड में डालने के लिए। और यहाँ पर मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है ये। तो ये भी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। लेकिन आप यहाँ पर जो आइस ट्रे होती है जिससे हम फ्रिज में बर्फ जमाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने वो भी ले रखी है यहाँ पर, आइस ट्रे और एक सिलिकॉन मोल्ड। तो ये जो बैटर हमने तैयार किया है चॉकलेट का, अब इसमें हम डाल लेते हैं। तो ऐसे हम स्पून से उठाकर इसे हम इसमें डाल देंगे हर खाने में। यहाँ पर मैंने चॉकलेट मोल्ड में डाल दिए हैं और तीनों मोल्ड को मैं एक बड़े से ट्रे में रख के फ्रिज में डाल देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने तीनों मोल्ड को एक ट्रे में रख लिया है और अब इसे रख देते हैं फ्रिज में। अब बनाने जा रही हूँ मैं मिल्क चॉकलेट। तो उसके लिए सेम क्वांटिटी में बटर लेंगे जैसे कि मैंने पहले लिया था 50 ग्राम के करीब। और सेम नीचे वाले बर्तन में मैंने पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर एक
मैंने माइक्रोवेव सेफ बोल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम के करीब अनसॉल्टेड बटर। चॉकलेट बनाने के लिए हमेशा अनसॉल्टेड बटर ही लेना है, नमक वाला बटर नहीं लेना है, जिससे चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अनसॉल्टेड बटर से ही हमें चॉकलेट बनाना है और इसे हमें मेल्ट कर लेना है पूरी तरीके से जैसे पहले किया था। सेम प्रोसेस, बटर को हमें पहले मेल्ट कर लेना है अच्छे तरीके से और यहाँ पे हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, देखिए। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर, तो 4 टेबलस्पून के करीब पाउडर शुगर डाल रही हूँ मैं इसमें। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल दिए हैं और अब इसे तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी पाउडर शुगर बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो 2 से 3 मिनट के करीब इसे हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। पाउडर शुगर के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर मिक्स कर लिया है और मिल्क पाउडर को फटाफट मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप के करीब वनीला एसेंस और इसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस को भी मिक्स कर लिया है और अब इसे ले चलते हैं ट्रे में डालने के लिए। जैसे हमने पहले चॉकलेट ट्रे में डाली थी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसे भी हम ट्रे में डालेंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। और अब बनाएंगे व्हाइट चॉकलेट, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल और एक पानी का बर्तन ले लिया है, गैस पे मैंने चढ़ा दिया इसे और इसमें मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम के करीब बटर, अनसॉल्टेड बटर, और इसे हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। बटर हमारा यहाँ पर मेल्ट हो गया है और इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर, तो 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर पाउडर शुगर डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। पाउडर शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस बोल को और पानी के बर्तन को मैं नीचे उतार लूँगी, क्योंकि जब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे तो ये बर्तन हम गैस पर चढ़ा के नहीं रखेंगे, क्योंकि तुरंत ही मिल्क पाउडर में गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो फटाफट हम इसमें 3 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर डाल लेते हैं और साथ में 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डालेंगे। तो वनीला एसेंस मैंने यहाँ पर डाल लिया है और अब डाल लेते हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल लेते हैं और मिल्क पाउडर डालते ही इसे हम फटाफट मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हम तुरंत ही मोल्ड में डाल लेंगे। मिल्क पाउडर डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है मिक्स करने के बाद, तो ऐसे ही बैटर को हम मोल्ड में डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है पहले और अब बैटर को स्पून में लेके हम मोल्ड में डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का बैटर भी डाल लिया है मोल्ड में और अब
इन सभी ट्रे को हम रख देंगे फ्रिज में। तो 2 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद हम निकालेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रिज से चॉकलेट को निकाल लिया और चॉकलेट हमारे बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं और अब इसे हम मोल्ड में से निकाल लेते हैं। सिलिकॉन मोल्ड में से चॉकलेट बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए हमारा एक चॉकलेट बन के तैयार हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो इसी तरीके से हम सारी चॉकलेट निकाल लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे चॉकलेट बनकर तैयार हो गए हैं और इन चॉकलेट की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये चॉकलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।